नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुपेश बंसल और आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं समय खड़ा हूं भारतीय जीवन बीमा निगम के फाजिलका दफ्तर में, जहां पर आज एक ही दिन में 217 पॉलिसी की गई हैं। एक रिकॉर्ड कायम किया गया है, जीवन बीमा का ये पहला रिकॉर्ड है जो एक दिन में एजेंटों द्वारा जो है 217 पॉलिसी की गई हैं। एजेंट अमर लाल तथा अशोक परूथी की मेहनत से ये कार्य हो पाया है। इनके साथ टीम में अमन वर्मा, मिस मधु राकेश कुमार और संदीप सिंह शामिल रहे। ब्रांच मैनेजर अश्विनी मुटनेजा के प्रयासों से ये सब कुछ हो पाया है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के दफ्तर में इनका स्वागत किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलते हैं अंदर जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं अमर जी और अशोक परूथी जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक दिन में इनके द्वारा किस तरह से ये जो कार्य किया गया है, जो इतने बीमे एक साथ किए गए हैं, एक रिकॉर्ड बनाया गया है। इनसे बातचीत करते हैं कि इनसे किस तरह से इनके द्वारा ये टारगेट को पूरा किया गया। देखा होगा कितना खूबसूरत नज़ारा। कहते हैं कि एक योद्धा का सम्मान एक राजे की तरह होना चाहिए, महाराजे की तरह होना चाहिए। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाजिलका शाखा के हमारे एक नए अभिकर्ता मिस्टर अमर, आइए अमर जी, अमर ने एक दिन में 113 नए बीमे करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और इनके साथ इनके CLI श्री अशोक परूथी, इन्होंने आज 221 नई पॉलिसी करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अमर के पापा भाई अंकल भी साथ आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा अभी इनको लिए भी पगड़ी एक अंदर से ले आओ, ठीक है? तो इनको भी हम सम्मान कर रहे हैं। और मेरा ये सभी साथियों से एक आग्रह है कि आपको भी ऐसा सम्मान मिलेगा, आप भी ऐसे काम कीजिए। और मैं मीडिया को ये बताना चाहूंगा कि शाखा फाजिलका अमृतसर में एक नंबर पे चल रही है, देश की प्रथम 20 ब्रांचों में चल रही है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हर घर बीमा, घर घर बीमा, हर बंदे तक हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का ये जो रक्षा कवच है ये पहुंचे। जैसे हमने देश की पिछले 60-70 सालों से सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही आगे सेवा करते रहेंगे। शुक्रिया। कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है? पहले सब तो पहले इन्होंने पापा बदौलत सब कुछ बेटा तेरे वास्ते, लो लो सभी को खिला दो। सभी को जी, क्या नाम है आपका? अमर परूथी जी। अमर जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके द्वारा जो ये बीमे किए गए हैं, एक दिन में इतने बीमे आपके द्वारा किए गए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये श्रेय अपने फादर साहब को देना चाहता हूँ कि इनकी बदौलत एरिया के अंदर इतना ज़्यादा इनका लिंक रिलेशन बने हुए हैं, जिसके वजह से बस हमें टाइम की शॉर्टेज रहेगी, लेकिन इंश्योरेंस की अभी तक कोई शॉर्टेज नहीं। अभी तक हम और भी आगे करेंगे, और बस थोड़ा टाइम था, थोड़े टाइम के अंदर इतने ही पॉसिबल हो सके हमसे करने के लिए। बस कितने आपके द्वारा बीमे किए गए हैं एक दिन में? 113 बीमे एक दिन में किए गए। अशोक जी, क्या कहेंगे, आपके द्वारा इतने बीमे किए गए एक दिन में, किस तरह का ये टारगेट था और किस तरह से आपके द्वारा सोचा गया कि एक दिन में इतने कितना काम करना है? सर ये ऐसे है, ये जो चलो ये तो एक तो हमारी जो है मूवमेंट है फील्ड के अंदर, इसके अंदर जो फील्ड के अंदर जितनी मूवमेंट कोई करेगा ना उतना ही काम निकल सकता है। ये तो एक लोगों की भूल है, वो ये कहते हैं बीमा नहीं है, बीमा नहीं है, पर बीमा बहुत ज़्यादा है और हमारे में करने की उसकी क्षमता चाहिए जी। और बाकी ये अभी ये जो मेन सेरा है हमारे ब्रांच मैनेजर और समूह स्टाफ जो भी अपने राकेश जी हैं, अपना असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और जो सारे स्टाफ के सिर जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमारे को। और ब्रांच मैनेजर साहब तो हमारे सुबह हमारे को 6 बजे उठा देते थे, भाई उठो भाई जाओ फील्ड के अंदर, क्यों तुम आप सो रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, और रात के 10-10, 11-11 बजे तक हमने काम किया है, और यही कारण है कि इतना बीमे आने का कारण मोटिवेशन बहुत टाइम टू टाइम ये जो हमारे को मार्केटिंग टूल ऐसे देते हैं जिससे बीमा ना आने की कोई बात ही नहीं है, बीमा तो अपने आप ही आता है। एजेंट भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि फील्ड में काम करने में दिक्कत आती है, तो आज आपके द्वारा इतना काम किया गया है वो भी एक दिन में, क्या कहेंगे उन भाइयों को? सर मैं तो यही कहूंगा सर, वो जितने से ज़्यादा फील्ड में मूवमेंट कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करें, काम की कोई कमी नहीं है। और मैं जो आज हमने ये भी बहुत बड़ा काम किया है, ये जैसे मान लीजिए 221 लोगों को जिसकी लाइफ सिक्योर की है, और मैं बेरोजगार जो लोग हैं उनको ये भी संदेश देना चाहता हूँ, वो मतलब जो जैसे कोई 10 पास है, कोई 12 पास है, और वो अपना LIC के साथ जुड़ के अपना बहुत बढ़िया बिजनेस और बहुत बढ़िया कमाई कर सकते हैं जी। बात ये है कि हमारे ब्रांच BM सर ने बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किया है जिसकी वजह से ये संभव हो पाया है। ऐसा नहीं है कि हम इनको श्रेय नहीं देते, श्रेय इनका बहुत ज़्यादा ही बड़ा हाथ है इसके पीछे, जो भी ये आज हम इस सफलता में ये पहुँचे। ये आप क्या कहेंगे, आपके द्वारा ये जो टारगेट है वो अचीव किया गया है और एक रिकॉर्ड बनाया गया इसको लेकर? बस जी ये ना मेन तो जो प्यार है ना जी, प्यार के पीछे बीमा होता है, ये प्यार बना रहे, पब्लिक के साथ डीलिंग चलती रहे, बीमे की कोई कमी नहीं है। ये जो बीमा है ऐसी पॉलिसी है कि ये लोगों का मन छूना होता है, उनके अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन उनको जाके समझाएंगे सही तरीके से, सही काम करेंगे। मान लो बीमे की कमी है, कोई कमी नहीं, सिर्फ कमी अपनी कमजोरी है। अगर अपने आप प्यार बनाए रखो, मैं उस बाइक गांवों के अंदर इतना प्यार है कि पॉलिसी तो जितनी मर्जी कर लें कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे दिन रात लगा रहे हमारा बेटा तो भी पॉलिसी खत्म नहीं होता है, इतना परमात्मा की कृपा हमारे पे, इसलिए हमारे को पॉलिसी में हमारे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्यार ही लोगों में इतना बनाया है कि जिसको बोलेंगे जाके कि बीमा करना है तो किसी ने इनकार तो करनी नहीं ना कि मैं बीमा नहीं करवाना, उसने बोलना है यहाँ करना है तो करना है। इसलिए बेटों को भी आगे ये अपने आदेश देते हैं कि प्यार बना के रखो और काम बढ़िया करो बस जी। धन्यवाद जी। आप क्या कहेंगे, आप टीम में शामिल हैं इनकी और किस तरह आप इनके द्वारा आपसे काम लिया गया और किस तरह की कोई फील्ड में प्रॉब्लम आई? मैं अमन वर्मा एजेंट और RB लाइफ का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्हें हमें बोलने का मौका दिया, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है इतना टारगेट अचीव करते हुए, और ये सारा सहरा हमारे ब्रांच मैनेजर और CLI के सामने है, इनका नाम ऊंचा तो हमका नाम ऊंचा, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सभी एजेंटों को कि अपना अपना जितना टारगेट है उससे ज़्यादा करके दिखाएं, बीमा अभी बहुत बड़ा है जी। हाँ जी, ये थे जो बीमा एजेंट जो हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरह से इनके द्वारा एक दिन में अपना टारगेट पूरा किया गया और रिकॉर्ड बनाया गया। फाजिलका में बीमा देने वालों की कमी नहीं है, बीमा करने वालों की शायद कमी है, ये इनका कहना है। तो अपना काम जो है वो ईमानदारी से करें और मेहनत करें, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे थे फाजिलका के भारतीय जीवन बीमा निगम से सीधा प्रसारण, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।